स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे अपने स्कूल में आटे के लड्डू कैसे बनते हैं। शुद्ध देसी घी के आटे के लड्डू बनाने के लिए आप अपनी सामग्री इकट्ठी कर लीजिए। आपने क्या करना है कि 2 किलो आटा ले लेना है और 2 किलो ही शुद्ध गुड़ ले लेना है, ऑर्गेनिक गुड़, और 1/2 किलो देसी घी ले लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि 1/2 किलो देसी घी जो है 2 किलो आटे के अंदर गर्म करके अच्छी तरह मिला देना है, और मिलाने के बाद आपने एक लोहे की आटा छन्नी ले लेनी है बड़ी वाली, उसमें वो मिश्रण को अच्छी तरह रगड़ते रहना है, रगड़ रगड़ के उसमें से छानना है। छानने के बाद उसमें दाने दाने से तैयार हो जाएंगे नीचे, उन दानों दानों को निकाल करके अलग आप रख दीजिए। और इसके बाद आपने जो गुड़ लेके रखा हुआ है, गुड़ को गर्म करिए, गर्म पानी में डाल करके गर्म करिए और उसकी चाशनी बना लीजिए, तार वाली चाशनी बन जाएगी। और आपने उसके बाद क्या करना है कि उस रखे हुए मिश्रण को जो 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहे मिश्रण, उसको उठा करके ये चाशनी जो है गर्म की है आपने, उसके अंदर मिला देनी है। मिलाने के बाद अच्छी तरह उसको हाथों से गूंद देना है। गूंदने के बाद उसको उसमें गोल गोल से उसके लड्डू बना के रख देने हैं, अलग से सजा देने हैं, और उसके ऊपर आपने किशमिश, काजू, बादाम सजावट के लिए उसको अच्छी तरह सजा देने हैं। इसके बाद आपके ये लड्डू सूखने के बाद तैयार हैं। खाइए और खाकर आनंद विभोर हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।